कोविड के नए वेरिएंट से निपटने के लिए पुराने कलेक्ट्रेट में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल रूम को किया गया स्थापित। 24 घंटे कर्मचारी कर रहे हैं ड्यूटी। 17 ऑक्सीजन प्लांट है क्रियाशील। हर तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए है तैयार। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने दी जानकारी। गोरखपुर जिला जेल का जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी और जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश और एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने संयुक्त रूप से किया निरीक्षण। जेल में बंद बंदियों की जानी समस्या। जेल के अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश व एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर की अध्यक्षता में शाहपुर थाने पर थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन। फरियादियों की सुनी फरियाद। पुलिस व राजस्व की टीम बनाकर मौके का निरीक्षण कर समस्याओं के निस्तारण के दिए निर्देश। अवैध देसी तमंचे से फायर कर हत्या का प्रयास करने के आरोप में दो अभियुक्तों अजीत सिंह व संजय सिंह को बेलघाट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक अवैध देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक फायर शुदा कारतूस को किया बरामद, भेजा जेल। रविवार को क्रिसमस की तैयारियों को लेकर एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह व एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने चर्च के फादरों के साथ की बैठक। जाना उनकी समस्या। नगर निगम के अधिकारियों को सभी चर्चों का साफ सफाई के दिए निर्देश। भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन मॉरिसस की चेयरमैन एवं मॉरिसस के पूर्व उप प्रधानमंत्री हरीश बुधु की पत्नी डॉक्टर सरिता बुधु ने किया बाबा गोरखनाथ का दर्शन पूजन। कहा गोरखनाथ जी का दर्शन कर उन्हें मिलती है बहुत ऊर्जा। एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह की अध्यक्षता में एसजेपीयू और एएसटीयू की मासिक समीक्षा बैठक हुई संपन्न। एसपी क्राइम ने कहा महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन द्वारा जारी विभिन्न एसओपी पर विस्तार पूर्वक चर्चा कर उसे पालन करने के दिए दिशा निर्देश। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने कैंट पुलिस के साथ सचिव मॉल सहित महानगर के भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों का किया निरीक्षण। लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। सर्दी बढ़ने के साथ ही सरकारी व निजी अस्पतालों में बढ़ने लगी है मरीजों की संख्या। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा जहां ठंड के मौसम में बीपी बढ़ने की वजह से बढ़ गया है ब्रेन स्ट्रोक का खतरा, वहीं बच्चे भी निमोनिया और कोल्ड डायरिया के होने लगे हैं शिकार। क्रिसमस को लेकर है जश्न का माहौल। 25 दिसंबर को पूरे देश में मनाया जाएगा क्रिसमस का पर्व। सेंट जोसेफ चर्च के फादर बेनी ने कहा 24 दिसंबर की रात के 12 बजते ही गिरजाघरों में प्रभु के आगमन की खुशी में की जाती है विशेष प्रार्थना का आयोजन। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष में दो दिवसीय राज्य स्तरीय सीनियर पुरुष एवं महिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। क्षेत्रीय क्रीडा अधिकारी आले हैदर ने कहा प्रदेश के सभी 18 मंडलों की टीमों के 600 खिलाड़ी कर रहे हैं प्रतिभाग।